बाबा से बात कर ली क्या आपने? देखो अली, मैं वक्त देख कर ही बात करूंगी ना कि जहां तुम चाहते हो वहां तुम्हारा रिश्ता करा दें हम। मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता नहीं बल्कि शादी करा दी जाए वहां पे। देखो अली, मुझे तुम्हारे रिश्ते के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारे बाबा इस वक्त शादी के लिए राजी बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप बात तो करके देखें प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। तुम चाय पियोगे? और एक बात बता, उस दिन रात को तू किससे फोन पे बात कर रहा था? और भाभी के सामने तूने नाम मेरा लगा दिया, कैसा आदमी है यार? अरे यार, वो अजरा का फोन आया था। अब क्या करता, उसे कह देता कि मैं फोन पे बात नहीं कर सकता। तो भाभी को सच सच क्यों नहीं बता देता? मेरी भाभी बहुत समझदार है, समझ जाएंगी। जी हाँ मेरे दोस्त, ये औरतें कितनी समझदार और जहीन क्यों ना हो, शौहर के मामले में हमेशा शक्की होती। अच्छा सुन, हमारी इनविटेशन का क्या हुआ? परसों का प्लान पक्का है, मैंने अजरा से बात कर ली है। नहीं यार, अभी अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। सुहेल, मैं कुछ नहीं जानता, अपनी तबीयत फौरन ठीक कर। अजरा क्या सोचेगी? कमाल है यार, अजरा क्या सोचेगी, तुझे इसकी फिक्र है? तेरा दोस्त बीमार है, तूने उसकी तबीयत भी नहीं पूछी। कैसा आदमी है, तो सच्ची तो मेरी भाभी है, कम से कम वो घर तो आई मेरी खैरियत पूछने के लिए। अच्छा भाई, बहुत अच्छी है वो, लेकिन परसों का प्लान पक्का है, मैं अजरा को बोल चुका हूँ। क्या याद करेगा तू, ट्रीट मेरी तरफ से। देखो मैं, हेलो, वाह